चश्मे के पानी में कैसा गुबार आ गया है। वो बूढ़ी जुबानों की मुश्किल कहानी थी क्या, नक्श जिनके हवाओं ने कुमला दिए। बिखरी हुई दास्ताने निशान दर निशान जिंदगी का हवाला, उजड़ कर शराबों की सूरत है बाकी। गुजरते हुए कारवानों की यादें, शिकस्त तनावों पे खैमों की तहरीर क्या था, पढ़ी भी न जाए सुनी भी न जाए। जले पत्थरों पर ठहरती शबों की ये क्या और राव लिख कर गई है। वक्त ने जब ये सोचा तो ऐसे लगा जैसे वादी के सब सर पत्थर पिघलने लगे। सरबुलंद और भरपोश ये चोटियां और खामोश खामोश ये वादियां, इनके सीनों में है दफन सदियों के राव। वक्त रुकता नहीं, वक्त रुकता नहीं। मौसमों की ऊंच नीच ही तो बलोचों की तारीख, और मेरी ये तमन्ना है कि यह हमारा मुकद्दर ना बने। बहरहाल मौसम तो गुजर जाने वाली शय है, हमें इससे खायफ नहीं होना चाहिए। वैसे कल के घोड़दौड़ और निशानेबाजी कैसे रहेगी? रगों में खून अपने और साफ के साथ दौड़ता है। मुझे उनकी कारकर्दगी पर हैरत नहीं, इत्मीनान हुआ है, मसरत हुई है। वाकई वाकई ये दिल को खुश कर देने वाला एहसास था। लेकिन मीर शेख, तुम्हारे निशाने की बात ही कुछ और है। मेरा निशाना मेरी कुव्वत इरादी और तजर्बे पर मुनासर है। अब इसमें बिनाई का दखल बहुत कम रह गया है। मेरे हाथों से निकले हुए लाखों तीरों ने मुझे यकीन के मकाम पर ला खड़ा किया है। अब अगर वक्त की आंधी मुझे अंधा भी करते तो वो मेरे यकीन को गुमान में नहीं बदल सकती। हाँ वाजा, तुम्हारा यही यकीन हमारा इत्मीनान है। नजबंद, याद रखो, यकीन का मकाम दिल होता है, जहां से पूरे बदन में फैलाव के लिए खून उमड़ता है, जिसे सब और साफ नस्लों तक मुंतकिल होते हैं। वो बच्चे जो कल तक हमारी उंगली पकड़कर हमारे साथ चला करते थे, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस फैले हुए यकीन को साथ लेकर चलें, क्योंकि मैं अब उस चट्टान की मानिंद हो गया हूं जिसको वक्त की यलगार ने
ताकम तो कर दिया है, लेकिन उसका हर थपेड़ा बड़ी आहिस्तगी से इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। हम सब आपकी खैर और सलामती के तलबगार हैं। नाजवानी तो सिर्फ आपके दुश्मनों को जेब देती है। वक्त और तजुर्बात के बोझ को आसान मत समझो, क्योंकि बोझ को बहलाया नहीं जा सकता, ये तो रेजा रेजा कर देने वाला अमल है। मीर, कूच के बारे में क्या हुक्म है? इंतजार। ये बीमार और कपकपाती सोच है बाबा कि कोई और हमारी मसलियत हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। हम 40,000 अफराद के पेशरो हैं, इतनी बड़ी कुव्वत के होते हुए मसलियत के मानी बुजदिली बन जाते हैं, और फिर हम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे। आने वाले सुनहरी दिनों की तरफ बढ़ना चाहता हूं मैं। कोराम, सरदार शेख तुम्हारा बुजुर्ग है, मेरा भाई, तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, क्योंकि उसकी सोच, उसके ख्वाब सब हमारे लिए। वो हमारी आंखों के ख्वाब नहीं देख सकता बाबा, ना हमें कुछ करना होगा, हमें ही कुछ दिखाना होगा। जब तक हम मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियां डालकर आतिशदान को नहीं भड़काएंगे, तब तक उसे हमारे अंदर की आग का एहसास नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे बाबा, तो यकबस्ता हवाओं में हमें अपने वजूद का एहसास तक नहीं रहेगा। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। सरदार को सिर्फ बीवर के सिवी और कच्ची से वापस आने का इंतजार है। वो करता रहे इंतजार, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। उसके आने तक मैं अपने 40,000 बंदों को, ये माल मवेशी कीमती ऊंटों को बर्फ का कफन पहना कर बैठा रहूंगा। हम कूच करेंगे बाबा, यही मेरा मशवरा है। ये तुम्हारा मशवरा है, लेकिन सरदार का ख्याल है कि कूच के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। तो मुनासिब वक्त कब आएगा बाबा? आएगा या नहीं क्या पता।